अच्छी नहीं लगा था, नेक्स्ट टाइम जो आएंगे उनको नहीं लगा था। नहीं सर, सर फोटो आप करिए, आप फोटो करिए ना, फोटो आप करिए, हम लोग भेज देंगे आपको। हाँ जी सर, सर और आगे जी सर, और आगे आगे बाबू इधर में सीधा आगे रहिए ना, आप कर दीजिए आप सर जी। अभी में 4.5 करोड़ से ऊपर का अकाउंट हमारे यहाँ है, उसके अलावा सर्टिफिकेट करीब 2 करोड़ है, ये करीब करीब 80 लाख सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। सुकन्या समृद्धि खाता के बारे में कुछ बताइए जी। सुकन्या समृद्धि खाता बहुत ही बेहतरीन खाता है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्कीम भारत सरकार की आई थी, प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना जो आई थी उसी का ये प्रोडक्ट है, और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हमारे बहनों के लिए इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम घरों में कहते हैं ना कि बेटी को रानी बनाएंगे, बोलते हैं ना बेटी को ये बनाएंगे, बेटी को रानी बनाना है तो सुकन्या खुलवाइए। अगर आप 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करेंगे तो 21 साल के बाद उसके अकाउंट में 43 लाख से 50 लाख के बीच में होगा। आप सोचिए, हमारे समय में मेरे नाम से भी अकाउंट नहीं था, जिस बेटी और बहन के नाम से 50 लाख 40 लाख 20 लाख रुपया होगा उसका सोचने का तरीका एकदम अलग होगा कि हम क्या करेंगे, हम स्टार्टअप शुरू करेंगे कि हम पत्रकार बनेंगे कि हम पूरा चैनल शुरू करेंगे कि हम मैगजीन निकालेंगे कि हम फैशन टेक्नोलॉजी में करेंगे कि हम हायर एजुकेशन के USA जाएंगे कि कनाडा जाएंगे, सोचने का उनका तरीका बदल जाएगा। इसलिए मैं हमारा आप लोगों के थ्रू अनुरोध है कि जितनी भी हमारी बेटियां हैं जो 10 साल से नीचे की हैं, एक एक बेटी का हम लोग सब लोग इसको संकल्प लें कि एक एक बेटी का हम अकाउंट खुलवा देंगे। आप 250 रुपये से खुलवा सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, जितना पैसा हो उतनी से खुलवाइए, जब जितना पैसा हो उतने ही जमा कीजिए, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, जब मन जितना पैसा हो जमा करो, बेहतरीन स्कीम। सर एक सवाल और है सर जी। सर मैं अपनी पत्रकारिता जगत में पहली बार देखा हूँ पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करते हुए जी। सर आप कितना उद्घाटन किए हैं सर आज तक? याद नहीं है कितना कितना। सर अवेयरनेस के बारे में पूछ रहा हूँ सर, पोस्ट ऑफिस बिल्कुल छुपके रहता है सर, वो सामने नहीं आता, पत्रकार से आप कह रहे हैं कि आप इसको अवेयरनेस। देखिए हम लोग का क्या है ना कि एक आपका आधा सच है, पूरा सच नहीं लेकिन आधा सच है। देखिए अगर हम इतना छुप के रहते तो 4.5 करोड़ अकाउंट मेरे यहाँ कैसे होता, आप सोच कर देखिए, ठीक है? 2 करोड़ सर्टिफिकेट मेरे यहाँ कैसे होता, सच कर सोच कर देखिए। सर आज कोरियर ज़्यादा सक्रिय हो गया है। कोरियर तो मेरा चपरासी नहीं हो सकता है, मेरा चपरासी का चपरासी शायद हो जाए वो। कौन कोरियर? पप्पू कोरियर, मुन्ना कोरियर, मिश्रा कोरियर, पप्पू कोरियर, डब्लू कोरियर। सर अभी घंटी क्यों नहीं बज रही गांव में? घंटी बज रही है, घंटी बज रही दूसरे, जो कि 100% आर्टिकल मेरा ट्रैक्ट है तो आपको SMS जाता है। जैसे अभी मेरे पास मेरा एक रजिस्ट्री आना है, SMS आ गया कि पोस्टमैन लेकर निकल गया, तो घंटी नहीं बजती है, SMS से मैसेज आता है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और आपका नेटवर्क है, आपका डाकघर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर कहीं कमी महसूस होता है तो लड़ के झगड़ के उसको ठीक कीजिए, क्योंकि आपके टैक्स से। देखिए घंटी जब बजती थी लोग गाँव दौड़ाता था, आज अगर कहीं हमारे प्रोडक्ट को देखेंगे तो आज भी वही स्थिति है, लेकिन अब घंटी नहीं बजती है, सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन आता है, फ़र्क यही हुआ। जैसे अभी DBT में करीब 28% DBT जो आता है डाकघर के थ्रू जाता है, 28% जितने तरह के सब्सिडी वगैरह हैं डाकघर इससे जा रहा है। उसी तरह सुकन्या है, महिला नारी सम्मान पत्र है, महिला सम्मान पत्र है, इस तरह के बहुत सारे स्कीम हैं। अभी हम लोग ऐसा स्कीम चला रहे हैं, आप लोगों को पता भी होगा, जैसे हम लोग पासपोर्ट बनाते हैं तो बिहार का 70% पासपोर्ट डाकघर से बनता है,
हम लोग निर्यात केंद्र चला रहे हैं, पिछले 2-3 महीने में हम लोग 500 से ज़्यादा नए निर्यातक बनाए हैं और करीब 13-14 हज़ार शिपमेंट्स बिहार जैसे तथाकथित पिछड़े राज्य से गया है। ठीक है, अभी सूर्यघर सोलर लगा पैनल लगाने के लिए जो हम लोग ने सर्वे किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, वो पूरे देश में नंबर वन पर रहे और हम लोग 8 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का सर्वे किए और उनका रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद वो कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। इस तरह बिहार में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में है लेकिन पूरे देश में हम लोग नंबर वन पर रहे। उसी तरह हम लोग का बहुत सारा स्कीम है, जैसे चाइल्ड बच्चों के लिए आधार बनाने का एक कंपलसरी है, कहीं भी एडमिशन के लिए, कहीं भी कोई भी सुविधा के लिए, तो 90% चाइल्ड रजिस्ट्रेशन हम ही लोग करते हैं। अभी हम लोग 15 तारीख से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें अगले 1 महीने में हम लोग को 1 करोड़ मिनिमम करना है, टारगेट 2 करोड़ का रखे हैं इंटरनली, लेकिन मिनिमम 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन बच्चों का करना है। तो इस तरह की इतनी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। आप इनफैक्ट आज की तारीख में रोज किसी दिन भी अपने घर में होने वाले 10 काम का अगर लिस्ट बनाएंगे तो 7 से 8 काम हम डाकघर के द्वारा एक छत के नीचे से कर रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। हम लोग रेलवे का टिकट, फ्लाइट का टिकट, होटल बुकिंग, पता नहीं है, विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन, श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन, आप सोच के बताइए कि कौन काम है जो हम लोग नहीं करते हैं। RTGS, UPI, भीम, ATM, QR कोड, आप बताइए, डेबिट कार्ड, ऐसा कोई सर्विस नहीं है जो डाकघर में नहीं है। लेकिन आम लोगों पर कैसे ये डाक विभाग अपनी जानकारी को, आम लोगों के लिए ही तो आपको बुलाए हैं, आप ही लोग मदद नहीं करते हैं। मेरा कंप्लेंट दूसरा है कि आप लोग हेल्प ही नहीं करते हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, आम लोगों से जुड़ी जो योजनाएं हैं। अभी हमारे यहाँ पूरे बिहार में 4.7 करोड़ अकाउंट्स हैं। आप सोचिए आम लोगों से कितना जुड़ा हुआ है।